हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वीट हेयर रिमूवल क्रीम का रिव्यू और कैसे आप इसे अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरे आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है वीट हेयर रिमूवल क्रीम, वीट निखार हेयर रिमूवल क्रीम फॉर सिल्की स्मूथ एंड विजिबली ब्राइटर स्किन, टर्मरिक एंड सैफ्रॉन विद सैंडलवुड फ्रेग्रेंस। 50 ग्राम का आपको इसमें नेट प्रोडक्ट मिल जाता है। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं और इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। इजीली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है। इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और इस क्रीम का एक और फायदा मैं आपको बता दूंगा, इसकी आपको ये ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे आपको ओपन कर दिखा देती हूँ और इसे अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ कि ये आपकी अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करने में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में इस वक्त देख सकते हैं, ये है वीट निखार हेयर रिमूवल क्रीम फॉर सिल्की स्मूथ एंड विजिबली ब्राइटर स्किन। इसमें है टर्मरिक एंड सैफ्रॉन विद सैंडलवुड फ्रेग्रेंस। इसमें चंदन की खुशबू के साथ टर्मरिक और सैफ्रॉन भी आपको मिल जाता है। आपको इसमें क्वांटिटी जो मिलती है ये है 50 ग्राम की और सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेटर है ये और सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है ये। तो ये सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है ये, और ये देखिए सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है अच्छे से, तो आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे अप्लाई कर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर आपको ये हेयर रिमूवल क्रीम मिल जाती है और ये आपको इसमें एक एप्लीकेटर भी मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसे इजिली लगा सकते हो और इजिली रिमूव भी कर सकते हो। तो पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी और पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आती है ये, पिंक व्हाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन में आती है, तो काफी अच्छी लगी है मुझे इसकी पैकेजिंग। तो ये आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी हेल्प से आपको हेयर रिमूव कर दिखाती हूँ कि कितना काम करता है या नहीं करता है। तो इसके अंदर आपको एक ही पेपर दिया गया है और इसे इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। तो ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई है, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी। ये देखिए कैसे आपने इसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें वीट के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए, तो इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिए इसे इस्तेमाल करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे अपर लिप्स की ग्रोथ, और आई डोंट नो फ्रेंड्स कि आप देख पा रहे हो या नहीं, कैमरा ठीक से आपको दिखा पा रहा है या नहीं। और ये देखिए, मेरी हेयर ग्रोथ आप देख सकते हो, 15 से 20 दिन हो चुके हैं मेरे अपर लिप्स की ग्रोथ को और अब मैं डायरेक्टली इस क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपके फेस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। मैंने फेस को वॉश करने के बाद ही, उसके बाद ही मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया है। और ये देखिए, मैंने फिंगर की हेल्प से इस क्रीम को अप्लाई कर लिया है। जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है और अब मैं 5 से 10 मिनट तक इसे लगा कर रखूंगी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लगाऊंगी गाइस। और बीच बीच में आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा 5 मिनट के बाद कि आपके हेयर्स जो है आपको दिख जाएंगे कि कमज़ोर पड़ गए हैं हेयर्स और ईजिली वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉटन ली है, थोड़ी सी कॉटन मैंने गीली कर ली है और गीली करने के बाद मैं इसे रिमूव कर रही हूँ अपने हेयर्स को। तो ये देखिए, और आप देख सकते हो कॉटन पर भी आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, अगर कैमरा आपको अच्छे से दिखा पा रहा है या नहीं, पता नहीं कैमरा में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा जूम नहीं होता है मेरा कैमरा, मैं आपको बता देती हूँ पहले ये चीज़। और ये देखिए, इस पर आपको हेयर्स नज़र आ रहे होंगे जो मैंने अभी रिमूव किए हैं। तो हल्की सी मेरी स्किन बर्न हो रही थी यहाँ पर, तो मैंने एक आइस क्यूब लगा लिया था। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने अपर लिप्स के हेयर रिमूव करे हैं इसी वीट क्रीम की हेल्प से। एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप इस क्रीम का हर 10 से 15 दिनों में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी स्किन पर भी हल्की सी जलन हो रही थी उस टाइम पर जब मैंने इसे रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मेरे यहाँ अपर लिप्स पर, स्किन पर जलन हो रही थी, बहुत ज्यादा जलन नहीं हो रही थी, बर्दाश्त करने लायक थी। लेकिन हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है दोस्तों, तो आप इसका एक पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा और ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा
कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, इस व्हीट क्रीम को आप अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है या आपने कहीं बाहर जाना है, कहीं वेडिंग फंक्शन में जाना है और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है या पार्लर ओपन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो। लेकिन हर 10 से 15 दिनों में हेयर रिमूव करने की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप इसके यूज को हर हफ्ते 10 दिन में मतलब इसे इस्तेमाल करें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है, बर्न हो सकती है। लेकिन हाँ, महीने में एक आध बार अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, एक या दो बार, तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहूंगी आपको, इस क्रीम को यूज करने के बाद आपने क्या करना है। तो इस क्रीम का यूज आप कर सकते हैं अपनी अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करने के लिए, अपनी आर्म्स पर, अपनी लेग्स पर यूज कर सकते हो आप इसे, और अपने अदर प्राइवेट पार्ट पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप इसे अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है या आपने इमीडिएटली कहीं जाना है और बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, आपको टाइम नहीं मिल रहा है पार्लर जाने का, तो उस सिचुएशन में गाइस आप इसका यूज कर सकते हो। महीने में सिर्फ एक या दो बार आप हेयर रिमूव कर सकते हो इसे, अपने अपर लिप्स के हेयर की बात कर रही हूं। और उसके बाद आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ। जब आप अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव कर लें, इस क्रीम को रिमूव कर लें आप 5 से 10 मिनट बाद, तो उसके बाद आप एक बर्फ लीजिए, एक आइस क्यूब लीजिए और उसको अपने अपर लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जहां भी आपको आपकी स्किन बर्न कर रही है, तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप वहां पर एक आइस क्यूब अप्लाई कर लीजिए। अगर बर्फ लगाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्किन बर्निंग है वो अगर बंद नहीं हो रही है, स्किन जलना बंद नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप एक डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल लीजिए, उसकी जेल निकाल लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको धोकर उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी मेरी सेकेंड टिप। थर्ड जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाह रही हूँ गाइस, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंस्टेंटली रिजल्ट देगी आपको। अगर आप चाहें तो इस क्रीम को रिमूव करने के बाद अपने अपर लिप्स पर अगर आपकी स्किन बर्न हो रही है, जल रही है, तो आप इस सिचुएशन में ओलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, 1 से 2 ड्रॉप ले लीजिए, अपने अपर लिप्स एरिया पर लगा लीजिए, जहां भी आपने हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई की थी और जहां भी आपकी स्किन बर्न हो रही है, तो आप चाहें तो वहां पर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल का, या फिर बादाम ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, उसके 1 से 2 ड्रॉप आपने लगा लेनी है। इससे आपकी स्किन जो है एकदम से शांत हो जाएगी, आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी, आपकी स्किन जलना बंद हो जाएगी। मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरे पास ये का हर्बल ऑयल है, स्किन ग्लो ऑयल की बात कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उस ये का हर्बल स्किन ग्लो ऑयल की 1 से 2 ड्रॉप लेकर भी आप अपने अपर लिप्स पर लगा सकते हैं। याद रखिएगा, स्किन ऑयल लेना है, अदर ऑयल यूज नहीं करना है, हेयर ऑयल कोई दूसरा नहीं लेना है, ये का हर्बल ऑयल की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अदरवाइज तो आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर पर अवेलेबल हो। सो गाइज, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते टाइम पर इन सब चीजों का ध्यान में रखेंगे, तो आपको स्किन बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई और प्रॉब्लम होगी, तो आप इसे यूज कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मंथ में सिर्फ 1 या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कोई इमरजेंसी हो तब, अदरवाइज आप इसे इस्तेमाल ना करें अपर लिप्स के हेयर रिमूव के लिए। जाते जाते एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। प्लीज गाइज, लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, प्लीज हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा गाइज। मुझे 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर और मुझे आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइज। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, अंदर से एक जुनून पैदा होता है और ज्यादा काम करने का, कि हाँ हमें और ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज, अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने हैं। तो दोस्तों प्लीज इसीलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।